बलूचिस्तान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट करीमा बलोच की कनाडा में हुई हत्या के खिलाफ पाकिस्तान में सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं प्रदर्शनकारियों के हाथों में करीमा के समर्थन में लिखी तख्तियां दिखाई देती हैं, तो कहीं लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आते हैं। अब एक्टिविस्ट करीमा बलोच की मौत से जुड़ा एक बड़ा दावा किया गया है। इस वीडियो में कहा गया है कि करीमा की डेड बॉडी कराची एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है, लेकिन करीमा की बॉडी को हैंडओवर नहीं किया जा रहा। जरा आप ही देखिए हमारा एक बार ये एक्सक्लूसिव वीडियो। मैं मामा कदीर बलोच, वाइस फॉर बलोच म्यूनिसिपल के वाइस चेयरमैन, इस वक्त एयरपोर्ट पे फैमिलियों के साथ खड़ा हूँ, जिसमें सारा फैमिली क्वेटा से भी आया हुआ है और कराची से भी आए हुए हैं। डेड बॉडी के इंतजार में है, लेकिन हमें अंदर नहीं छोड़ रहे हैं, जाने किसी को भी नहीं दे रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम मामा कादिर बलोच है, ये क्या बोल रहे हैं जरा एक बार फिर सुनिए। तो न डेड बॉडी दे रहे हैं अभी तक, वो इंतजार में है, और ये भी कह रहे हैं कि डेड बॉडी जो हम आपको रिसीव कराएंगे तो आप लोग इनको यहाँ नमाज जनाजा इनका नहीं पढ़ेंगे और उठा के सीधा आप एयरपोर्ट से तुम की तरफ या तुर्बत की तरफ रवाना होंगे। अभी ये भी हमारे लिए इन्होंने मसला खड़ा किया है हुकूमत ने। इनकी बात सुनकर पाकिस्तान के हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। जिस डेड बॉडी की बात हो रही है वो किसी और की नहीं, बल्कि वो डेड बॉडी है करीमा बलोच की। आपको बता दें कि पाकिस्तान सेना के जुल्मों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने वाली करीमा बलोच का शव कनाडा के टोरंटो में मिला था। वो कई दिनों से लापता थी। टोरंटो पुलिस ने 23 दिसंबर को करीमा की मौत को नॉन क्रिमिनल मौत बताया था, लेकिन बलोच का परिवार और दोस्त इस मामले की गंभीरता से जांच की मांग कर रहे हैं। करीमा बलोच पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सेना द्वारा लापता किए जा रहे लोगों के लिए हमेशा आवाज उठाती थी। अब बलोच ह्यूमन राइट काउंसिल ने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में इंटरफेरेंस की मांग की है, ताकि इस मामले की निष्पक्ष जाँच हो सके। दुनिया भर के करीब 50 से ज्यादा एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट और बाकी अन्य लोगों ने करीमा बलोच की संदिग्ध मौत को लेकर चिंता जाहिर की है। बता दें कि पाकिस्तान सेना की कार्रवाई की वजह से करीमा बलोच भागकर कनाडा चली गई थी और अपने पति के साथ सालों से वहीं रह रही थी। लेकिन करीमा की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये अब तक केवल एक रहस्य बना हुआ है।